ये देखिए साथियों, फॉरेस्ट के अंदर तो कोहरा दिखाई देता है लेकिन फॉरेस्ट के बाहर कोहरा नहीं दिखाई देता है। तो भाई वॉक पूरी हो गई है, वॉक करके आ गया हूँ पार्क से। आज पार्क में लोग नहीं मिले हैं कुछ, तो बस अब बाहर निकल रहा हूँ और बताते हैं बाहर की एक्टिविटी क्या हो रही है। तो साथियों स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। तो आज बाहर की एक्टिविटी दिखाएंगे, आज पार्क की एक्टिविटी। आज पार्क में कोई मिला नहीं है, बहुत कम लोग आए थे, तो बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए साथियों, पार्क से बाहर आ चुका हूँ। अब रोज की भागदौड़ शुरू हो गई है यहाँ पे। दिन बहुत बढ़िया है, धूप बहुत बढ़िया खिली हुई है। देखिए ये देखिए सुबह की भागदौड़ शुरू हो चुकी है, लोग अपने अपने ऑफिस के लिए जाने लगे हैं। अब मैं भी रोड क्रॉस करता हूँ और कुछ आगे की एक्टिविटी आपको दिखाता हूँ। बहुत रश है रोड पे, सड़क पार नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से पार हो रहा है मुझे। ये देखिए भाई गन्ने भी आ चुके हैं सर्दियों में गन्ने खाने के लिए। ये देखिए भाई दुकानें भी सब लगी हुई हैं, हम ही लेट हो गए हैं आज लगता है। और ये देखिए भाई गली कुछ इस तरीके से दिख रही है। अभी तो सुबह सुबह है, सभी घर में हैं। तो मैं भी बस घर पहुंचता हूं, तैयार होता हूं, ऑफिस निकलता हूं और आपको बताता हूं वहां की एक्टिविटी क्या हो रही है आगे की। आज पार्क नहीं आए हो आप या बिल्कुल बंद कर रखा है? ये हैं देखिए हमारे निजाम भाई, पार्क में आते थे जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, जब से इन्होंने भी आना छोड़ दिया। अच्छा जाते हो, या तो जल्दी आ जाते हैं, हम लेट जाते हैं। अच्छा हम लेट जाते हैं, चलिए ओके। आज भाई इन्होंने मेरी शिकायत कर दी आप सबके सामने। हाँ जी भाई साहब, राम राम। कहाँ की तैयारी हो रही है? कंपनी कैमरा देख के बहुत हंसी आती है आपको। क्या कर रहे हैं, फोटो खींचनी चाहिए ना? अच्छा अच्छा फोटो खींचनी चाहिए, बहुत आराम से बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो कैमरा नहीं होता तो बहुत टेढ़े टेढ़े बात करते हैं आप। हाँ जी इल्जाम के ऊपर इल्जाम। तो साथियों ये है हमारे गोपी भाई जो पार्क में आते हैं, आपने देखा होगा एक दो बार मेरे वीडियो में भी, या शायद ना भी देखा हो लेकिन आप देख लीजिए। आज तैयार होके सुबह सुबह जल्दी जल्दी जा रहे हैं हमसे पहले, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं ना सर? कुछ देखिए बोल नहीं रहे हैं, शायद अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुना देते। काम के लिए जा रहा हूँ, पेट के लिए। पेट के लिए सभी पेट के लिए जा रहे हैं, हम भी तैयार होंगे और हम भी पेट के लिए जाएंगे। चलिए आज की मुलाकात इतनी, कल फिर मिलते हैं। पान की दुकान है और ये पान लगा रहे हैं, पान लगा रहे हो? कहाँ गया वो पान? ये देखिए ये हमारे लड्डू भाई जो पान लगा रहे हैं, ये यहाँ पान की दुकान चलाते हैं। और साथियों मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं और मुझे बताते भी हैं कि आज ऐसा करो आज ऐसा करो। तो आज मैंने ही इनकी बिना बताए वीडियो बनाने लग गया। चलिए आप बनाइए, मैं भी आगे चलता हूँ, ठीक है? तो भाई यहाँ पे चाय दे दी आंटी ने मुझे, चाय पी रहा हूँ। अभी घर में नहीं गया हूँ, अभी घर में जाऊंगा जब, अभी तो चाय पी लूँ पहले आंटी के यहाँ पे, फिर उसके बाद घर में जाऊंगा। तो भाई ये तैयार हो गए हैं, ये भी अपना सुबह सुबह बस अब। तो ये देखिए भाई मम्मी बैठ गई है तैयार होके, मम्मी वीडियो देख रही है मेरा, तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले उठ के सबसे पहले मेरा ही वीडियो लगा देती है, आपको दिखाता हूँ वो वीडियो। तो ये देखिए भाई ये वीडियो देख रही है मम्मी मेरा, सबसे पहले आते ही वीडियो देखने लग जाती है। तो मम्मी से बात करते हैं। तो मम्मी क्या देख रही है? मैं वो देख रही वीडियो। वीडियो कौन सी वीडियो? जंगल वाली। हाँ? जंगल वाली? मतलब भाई जो कल वीडियो बनाई थी पार्क में मिसाइल, वो वाली वीडियो देख रही है मम्मी। तो उसी से ही पूछ रहे हैं मम्मी से, मम्मी भी जरा सक पक आ रही है, पहली बार जरा मम्मी से बात कर रहा हूँ वीडियो पे, तो इसीलिए। ये देखो भाई ये हार दिखा है, ये सोने में लग रहा है गधा। आज स्कूल से छुट्टी कर ली है, स्कूल की छुट्टी करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप 10 बजे तक सोते रहो, लेकिन भाई मानता नहीं है। और ये देखिए ये आपने भी देखा होगा लिपि को, ये यूट्यूबर है, ये देखिए इसने भी छुट्टी कर ली है और सुबह सुबह उठते ही पैसे मांग रही है। कुछ कहना है? ये भाई चुप पड़ गई है, पता नहीं क्यों चुप पड़ गई है।
इसके बाद साथियों मैं बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग के लिए बच्चों के स्कूल में आ गया, क्योंकि आज उनकी पेरेंट्स मीटिंग है और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में मुझे भी टीचर से बात करनी है। तो मैंने वहाँ पे टीचर से बात करी बच्चों के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। अच्छा लगा उनसे सुन के, बच्चा अच्छा कर रहे हैं और हार्दिक को तो करिश्मा कपूर ने अवार्ड भी दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों की परफॉर्मेंस सही है, लिपि की भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, तो अच्छा हुआ। बेटी की परफॉर्मेंस भी देख के बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद फिर मैं शादी में आ गया और शाम होते ही शादी में आ गया था। आजकल आपको मालूम ही है शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शाम को शादी में आ गया और सबके साथ फिर फ़ोटो वोटो सब मिलते रहे, छोटे बड़े हर तरह के लोग, तो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते रहे और उनके भी फ़ोटो को अपने कैमरे में मैं क्लिक करता रहा कि चलो कभी उन्हें फुर्सत होगी तो मेरी वीडियो देख लेंगे, मेरा व्लॉग देख लेंगे और मुझे याद कर लेंगे इसी बहाने। और जो भी आए थे उनके साथ बैठ के मैं भी कुछ खाता पीता रहा और शेयर करता रहा उनके साथ अपने एक्सपीरियंस, तो अच्छा लगा। पार्टी में आके भी सबसे मिला और अपनी अपनी इंजॉय किया सब लोगों ने अपना अपने अपने तरीके से। मैं तो सिर्फ वीडियो बनाता रहा और देखता रहा, कुछ मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं जो मैं इसके बाद आपके सामने लेके आऊँगा। जो डांस कर रहे थे लोग मैंने उनके शॉर्ट्स बनाए हैं, तो आपके सामने लेके आऊँगा। तो साथियों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।